External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has sent out a stern message. When we claim back POK, will it be only the land or the people with it? If the people too, then the whole of Pakistan will be part of POK. Please enlighten us. नरेंद्र मोदी का किरदार अदा कर रहे हैं. उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो अब मकबूजा कश्मीर के बाद आजाद कश्मीर को भी हिंदुस्तान में शामिल कराएं. He has gone on to say that one day we will remove the illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. PPOK जो है भारत का अंग है. It is part of India. It was always part of India. It will be part of India. और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम PPOK को जो है वहाँ का illegal occupation जो है उसको हम खत्म करेंगे और PPOK जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा. कश्मीरियों के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि दोस्तों थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो. कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज PPOK में वही आवाज सुनाई देती है. खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है. बहुत जल्द कश्मीर आजाद होगा. द कंट्री इज ऑलरेडी सीन आफ्टर 5 years हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस देयर इज टुडे इन द ग्राउंड सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated, there is the other part. So watch part 2 of the series. Game bilkul palat gaya. Kai Pakistani ye keh rahe hain ki ye Bharat ne karwaya hai. POK ka jo IG hai usne to khule taur pe bol diya hai ki mujhe pura shak hai कि इसमें भारत का हाथ है. अब भारत का हाथ हो या पैर, बात यह है कि यह मामला अब शुरू हो गया है और यह ना रुकने वाला मामला है. इनको क्या लग रहा है? आपने कुछ लोगों को नदी नाले में फेंक दिया, कुछ लोगों की हत्या कर दी तो यह मामला रुक जाएगा? नहीं, यह कई सालों तक चलेगा. मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, यह तो अभी ट्रेलर था बेटा, यह कई सालों तक चलेगा और यह चलता चला आएगा. तुम्हें क्या लगता है सलाद पे नमक सिर्फ तुम ही डाल सकते हो? नहीं बेटा, नमक हमारे पास भी है. मैं ये नहीं कह रहा कि भारत कुछ कर रहा है. जो पाकिस्तान ने भारत के साथ करवाया था इतने सालों से, वही चीज हो गई है. सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो असल में PPOK है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, जिसको पाकिस्तान बड़े फक्र के साथ कहता है यह आजाद कश्मीर है, उधर गेम हो गया दोस्तों. और बहुत बड़ा गेम हो गया. और गेम ऐसा हुआ कि आवामी एक्शन कमेटी नाम का एक ग्रुप है, वो आगे सड़कों पे. हमने पिछले बार भी कवर करा था, लेकिन उसके बाद हमारे कवर करने के बाद यहां पे माहौल बहुत खराब हो गया. आम कश्मीरी वहां का, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ का आम कश्मीरी सड़क पे आ गया. सड़क पे आने के बाद ऐसी पत्थरबाजी हुई उनकी फौज की गाड़ियों पे, उनके रेंजर्स की गाड़ियों पे, एक पुलिस वाले को जान से मार दिया. लोग कह रहे हैं छाती पे मारी गोली उसके डायरेक्टली, ऐसा लोग कह रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि कई और भी लाशें थी, लेकिन उसके बारे में मीडिया बता नहीं रहा है. अब दोस्तों आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया, इनको ISPR से पैसे मिलते हैं. जहां से पैसे मिलते हैं वहां पे कोई भौंकता है, कोई नहीं भौंकता है, कोई न्यूट्रल वाले हैं बेचारे डर के मारे नहीं. वीडियो आई है कश्मीर से, ये वीडियो आप देखिए. ये वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों शायद आपने इसको ट्विटर पर देखी होगी. ट्विटर पर पाकिस्तानी इस वीडियो को ट्वीट करके साथ में लिख रहे हैं टाइटल में, और नीचे कमेंट में भी सारे पाकिस्तानी निकले लिख रहे हैं कि ये वो नमक हराम कश्मीरी है जिन्हें हमने पानी दी, जिन्हें हमने जमीन दिया, जिन्हें हमने खाना और कपड़ा दिया. आज यही कश्मीरी हमारे फ्लैग उतारकर फेंक रहे हैं और आज यही कश्मीरी हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं. ये बढ़िया जोक था भाई. कश्मीरियों ने दोस्तों पाकिस्तानी फ्लैग जो वहां पर कश्मीर में जहां जहां भी बड़े बड़े फ्लैग लगे हुए थे वो सारे उतारकर फेंक दिए हैं. अब कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का जो है, जो शब्दों का जो पड्डा चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसे आप ट्विटर पर बड़ा अच्छा देख सकते हैं. उसे जरा सर्च कीजिएगा. ये जो वीडियो दिखाई है इसी वीडियो को लेकर कोई भी टाइटल सर्च कीजिएगा आप, कोई भी हैशटैग सर्च कीजिएगा ट्विटर पे. आपको जो भी वीडियो आए उसके कमेंट सेक्शन में जाएं कि पाकिस्तानी और कश्मीरी आपस में कैसे लड़ रहे हैं. देखें, कश्मीरियों का दावा है, कश्मीरी बोलते हैं कि आटा महंगी जो है, बिजली है ही नहीं और बिल इतने आ रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, इतनी महंगाई है कश्मीर में.
हम पाकिस्तान का फ्लैग एक्सेप्ट नहीं करते, हम आजाद कश्मीर हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान में जो नियम जो कानून जो रूल्स आते हैं हमारे ऊपर लागू नहीं होते, हम वो कानून नहीं मानते। और जब पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती की तो कश्मीरी सड़कों पे आ गए। आपको पता है पिछले दो दिन से कितनी हालत खराब है कश्मीर में, तो भाई पुलिस ने लाठी चार्ज की, गैस जो गैस कैन होते हैं वो फेंके, जिसके नतीजे में दोस्तों पुलिस वाले भी और बहुत सारे कश्मीरी भी शहीद हुए और कुछ पुलिस वाले मुर्दार हुए उसमें। इसी बात को लेकर दोस्तों कश्मीरी बड़े गुस्से में हैं और वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सुनिए पाकिस्तान क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की अवाम, हाँ देखिए अवाम हमेशा सरकार की कामों में दखल अंदाजी करती है, वो भी वो अवाम जो सरकार या जो पाकिस्तानी सेना की उठाती है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, गुलाम इब्ने गुलामों की बात कर रहा हूं। वो कहती है कश्मीरियों को हमने कपड़ा दिया, हमने रोटी दी, हमने खाना दिया। भाई आप बताइए कि जब पाकिस्तान नहीं था तब कश्मीर था, कश्मीर ने पाकिस्तान को खिलाया है। आप देखिए कि कश्मीर से कितने फायदे उठाते हैं, पाकिस्तानी सरकार कितना फायदा उठाती है कश्मीर से, लेकिन बदले में कश्मीर को एक अच्छा स्कूल नहीं मिलता, एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, कश्मीर वालों को लाइट नहीं मिलती, कश्मीर वालों को जो है सिग्नल मोबाइल सिग्नल तक नहीं मिलते, पहाड़ों पर चढ़ना होता है उनको। उनको देखिए एक तो आम कुछ जो मेन जगह पॉइंट होते हैं वहां पर मिल जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी दूर हो गया शहर से तो उनको पहाड़ों पे चढ़ के बात करनी होती है। अब सवाल यह है कि ये जो दो दिन ये हमने पूरी दुनिया के सामने अपना तमाशा लगाया है, अपना अपने आप को दिखाया है, इसकी जिम्मेदारी किसके सर डालेंगे आप? देखें मैं पाकिस्तानी अवाम को एक बात बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी टाइमिंग देखें क्या है, ये ऐसे कैसे वक्त में शुरू हुआ है। हिंदुस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, एक अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने नेटफ्लिक्स पे फिल्म रिलीज की आर्टिकल 370, अगर वो देखें तो पता चल जाएगा, जिसमें जो साहब नरेंद्र मोदी का किरदार अदा कर रहे हैं उन्होंने बड़े वाजे अल्फाज में कहा है कि वो अब मकबूजा कश्मीर के बाद आज़ाद कश्मीर को भी हिंदुस्तान में शामिल कराएंगे। तो इसकी एक तो टाइमिंग देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के जो भी टाइमिंग है, हिंदुस्तान का जो भी एजेंडा है जिसमें तो वो कभी कामयाब नहीं होगा, आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है जो अपना हक मांग रही है वो हक बजाने होगी अपना हक मांगने में, लेकिन ये भी देखना होगा कि 130,000 सरकारी जी नहीं होगी से क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि होगी और ये मैं मुकम्मल कर रहा था कि वो जो अपना हक मांग रहे हैं बिल्कुल हक बजाने होंगे,